इसका चैनल सब्सक्राइब। इस समय मिली है ये स्टेशनरी। इस जमाने में बेटी बिल्कुल नहीं। बेटी आप अपना ब्लॉग हमेशा डालते रहे। ये तो सब नदी पे चल रहा था। Hi guys, welcome back to my channel, Reason of Smile। मैं सभी मेरे गांव के बच्चे सारे और ये वाली मेरी बहन है, छोटी बहन, और ये है हमारी मैम, मेरी फ्रेंड की मम्मा। और आंटी खोलो इसको, खोलो इसको, अच्छे लग रहे आप। सृष्टि टॉम बॉय, ये इसकी छोटी बहन, ये मेरी बहन, और ये तीनों है बहनें। आप एक्चुअली हम जा रहे हैं यही हमारे पड़ोस के गांव में, यहाँ पे हमारी रिहर्सल होने वाली है। आज कल एक प्रोग्राम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे, तो उसके लिए छोटा मोटा सा प्रोग्राम होगा यहाँ पे। मैं चाहती थी कि मैं आपको गांव भी दिखाऊं, छोटा मोटा हमारा प्रोग्राम भी दिखाऊंगी। बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस आप देख सकते हैं ये सेब के बगीचे, एंड सड़क भी अब तो पक्की हो चुकी है। जिस टाइम मैं स्कूल में पढ़ती थी यहाँ पे, उस टाइम ये सड़क कच्ची हुआ करती थी। गाइस ये देखिए यहाँ से नज़ारा देख सकते हैं आप, छोटी सी बर्फ की चोटी देख सकते होंगे। ज़ूम करती हूँ, ये है कुप्पड़, कुप्पड़ बोलते हैं यहाँ पे। एक्चुअली ये भी टूरिस्ट प्लेस जैसे ही है, और इससे नीचे है गिरिगंगा। ये है बद्रुणी गांव मेरी फ्रेंड का, ये यहाँ का छोटा मोटा बस स्टैंड। तो ये देखिए नलका यहाँ पे, जब हमारे छुट्टी होती थी ना तो हम यहाँ पे मतलब घंटों बैठा करते थे। 3 बजे हमारे को छुट्टी हो जाती थी और हम 4 बजे तक यहाँ पे बैठ के गप्पे मारते रहते थे। यहाँ पे स्कूल भी है 8th क्लास तक, तो आपको स्कूल भी दिखाऊंगी। यहाँ पे आप ऐसे स्लेट की छत वाले घर देख सकते हैं आप इधर को, आपको ऐसे घर देखने को मिल जाएंगे। और ये है बद्रुणी गाँव का टेम्पल, थोड़ माता जी का टेम्पल है ये, शरखाल गांव। ये तो गाय का ओबरा छोटा सा। चलते हम पहुंचने वाले हैं स्कूल। सुने दिया मेरी, हम पहुंच चुके हैं अपने स्कूल। यहीं पे आंगनवाड़ी भी है, और ये है हमारा स्कूल मिडिल क्लास तक का। मैंने 8th क्लास तक स्टडी यहीं करी है। पूरी स्कूल की बिल्डिंग और आंगनवाड़ी अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, जहाँ पे आपको दरवाजा खुला दिख रहा है। पहले ये 6th क्लास का रूम हुआ करता था। दुख की बात है गाइस, ये स्कूल हमारा बंद हो चुका है अब, क्योंकि पहले यहाँ पे बहुत कम बच्चे हो गए थे ना, फिर बंद हो गया ये सामने प्राइमरी वालों की बिल्डिंग। 3rd क्लास तक मैंने यहीं स्टडी करी है, फिर 4th-5th में दूसरे स्कूल, फिर 6th से मैं वापस यहीं आ गई थी। ये निचले वाले फ्लोर पे आंगनवाड़ी था पहले, और ऊपर वाले फ्लोर पे प्राइमरी की क्लासेस लगती थी। और ये देखो गाइस नीचे चांदनी चौक, कल हमारा प्रोग्राम यहीं पे है। हाय हाय हाय, ये है सारी मेरी पलटन, और कल मिल लाऊंगी मैं आप सबको इन सबसे। आज हम रिहर्सल कर रहे थे, इनको प्ले की प्रैक्टिस करवाई है। तो गाइस ये हमारी जो मैम थे, हम आपको मतलब 5th क्लास तक पढ़ाते थे, उनका घर। और देखो उन्होंने यहाँ पे ना ये अच्छे अच्छे थॉट्स होते हैं हमेशा यहाँ पे लिख के रखे हुए, पुरानी आदतें उनकी। भाई गाँव में शांति होती है बड़ी। गाँव में हमारे गाँव के बारे में बखान कीजिए। हमारे गाँव में शांति तो है नहीं, बस एक शांति नानी है। ये रही गांव की छोटी सी डिस्पेंसरी। हम यहाँ स्कूल में पढ़ते थे, तो उस टाइम हम पूरे गांव में मतलब दिन को जब हमारे कुछ लंच बनता था, हम जाया करते थे हर घर में लस्सी मांगने के लिए। मतलब गांव का हर घर छान मारते थे, और लस्सी तो हमारे को चाहिए ही होती थी। और वो रहा पार मेरा दूसरा स्कूल, यहाँ पे 5th क्लास तक की है प्राइमरी स्कूल, और 2 साल मैंने यहाँ पे की है पढ़ाई 4th एंड 5th। स्कूल से आते हुए हम, ये है परसीमल का पेड़, तो हम परसीमल बहुत चोरी करके खाया करते थे। खाते तो हम सेब भी चोरी करके थे। जब हम स्कूल टाइम में होते थे तो हमारे को बोलते थे चोल गाँव के चोर और बद्रुणी के बंदर, जगराड़ी के जोकर। ऐसे ही बनता था ना। बात तो सही है। गाइस ये है हमारा गांव पार, वहाँ पे खेल रहे हैं बस स्टैंड में बच्चे क्रिकेट, इसलिए ये लोग यहाँ पे चिल्ला रहे हैं आउट है। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल रीजन ऑफ स्माइल। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। तो कल मैंने जैसे कि बताया था, हमने रिहर्सल करी थी, तो आज हम जा रहे हैं उस प्रोग्राम पे। थोड़ा सा इन लोगों का प्ले है और मेरी सिंगिंग है, तो फिर जैसे जैसे होता है आप सभी को दिखाएंगे, तो चलिए मेरे साथ। तो आज भी मेरे साथ वही है कल वाले प्राणी, भागो मत है गोलू। असली नाम इसका काव्यांशी है, बट शॉर्ट नेम इसका मतलब वो है गोलू। एंड ये प्रकृति, इसको बोलते हैं पक्कू। और साथ में दिव्याशी, इसको बोलते हैं दिब्बू। सृष्टि, इसको बोलते हैं क्या, इसको सृष्टि बोलते हैं। ये है हमारी मैम, आपको ये बताएंगे आगे कि हम कहाँ पे आए हैं, विस्तार से बताइए। ग्राम पंचायत राधी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे हमारा छोटा सा प्रोग्राम है, हमारे साथ बने रहिए। और
इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। ये थैंक यू गाइस। मैं बता दूं, हमारे साथ जो मैम है उनकी दोनों बेटियां सेजल और वर्तिका होती थी बाकी टाइम पे, और मेरी छोटी बहन आकृति। मतलब हमेशा हम कोई भी प्रोग्राम होता है ना, ऐसे प्रोग्राम होते हैं आंगनवाड़ी के, तो हम जाते ही जाते थे, लेकिन इस बार वो लोग नहीं है तो हम उनको इतना मिस कर रहे हैं ना। सेजल वर्तिका अगर तुम लोग देख रहे हो, आकृति तो देखेगी मेरी बहन ऑब्वियसली, तो हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ही पहुँच गए हम ग्राम पंचायत पराली बद्रोनी। प्रोग्राम शायद थोड़ी देर में स्टार्ट होगा। है स्वती, ये आकृति की क्लासमेट है भाई, बहुत अच्छी लड़की है, और इसकी आवाज़ सुनेंगे ना आप, ये बहुत प्यारा बोलती है सीरियसली। ये फिर आ गई। आपका नाम क्या है? उर्वी, इनायत और ये आराध्या, ये हमारी काली माता। काली माता तो पता नहीं जितना जगत तांत्रिक बाबा लग रही है। लाल दुपट्टा मंडा लो यार। डॉक्टर साहिबा शादी से भाग कर आ गई थी, स्टेथोस्कोप टूटा है, बेटी का रोल प्ले कर रही है। गाइस हमारा भूत बदल गया है। काली माता जी अभी क्या पहन रहे हैं? भालू बन रहे आप? ये वाइफ का रोल कर रहे हैं स्वाति, और ये तो माता बन रही है प्यारी सी माता, ये दूसरी छोटी क्यूट माता, ये दूसरी माता। प्ले के तक ये नुसी सोच वाले। क्या बन, क्या रोल है आपका? हस्बैंड का रोल है इनका। वे गाइस मैं फोटो नहीं ले रही हूँ। ध्यान से सुनो, कैसा लग रहा है? डर लग रहा है तुम्हारे को? मेरे को तो लग रहा है मेरे चेहरे पे नहीं दिख रहा तुम्हारे को, तुम सारे ग्रुप में और मैं अकेली हूँ। चलो कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करना। प्रोग्राम की स्टार्टिंग हुई थी मिसेस अनीता मोक्टा मैम के स्पीच से, और ये छोटी सी बच्ची है ना, मतलब सबका ध्यान इस छोटी सी बच्ची पे जा रहा था। तो मैम जो है ना, हर बार जितनी भी गांव की गर्ल्स होती है, हम सबको हमेशा ऐसे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए जरूर बुलाते हैं। एसपीएनडीटी के अनुसार भी बॉय और बेबी गर्ल के लिए अगर हम सोनोग्राफी करें, कोई अल्ट्रासाउंड करें, तो ये एक्ट इसके लिए इजाजत नहीं देता है। इस जमाने में बेटी बिल्कुल नहीं, बेटी को पहले पढ़ाओ फिर लिखाओ फिर उसकी शादी फिर दहेज। हे भगवान, इतना खर्चा मैं नहीं उठा सकता। ये आप क्या कह रहे हैं, मैं भी तो एक बेटी हूँ। मैं लक्ष्मी हूँ। मैं सरस्वती हूँ। मैं दुर्गा हूँ। मैं कल कल माँ बाप को स्वर्ग तक ले जाते हैं, बेटे माँ बाप को स्वर्ग तक ले जाते हैं, पर जो स्वर्ग को जमीन पे ले आए वो होती है बेटियाँ, वो होती है बेटी। बचाओ बेटी। तो गाइस ये है सभी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर, और साथ में ये है हमारी प्रधान रह चुकी है श्रीमती पुष्पा कंवर जी, एंड मैं इनको स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी। इनकी वजह से जो है, मतलब काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलता है, हर बार हम आते हैं और हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी को। आप कुछ कहना चाहेंगे मेरे चैनल के बारे में? कि आप अपना ब्लॉग हमेशा डालते रहे और हम भी देखते रहेंगे इसी तरह से। जब आप कोई भी इसमें कोई भी सॉन्ग डालते हैं या कुछ भी करते रहोगे ना, तो हमें अच्छा लगेगा। okay. और हम चाहेंगे कि इस सब का टैलेंट ही करके बाहर आए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। लोगों को रुलाना चाहिए, हंसाना चाहिए। इसने किया भले का कबाड़ा। कोई बताओ कैसे आई थी? मैं बताती हूँ। मैं हूँ काली। इस लड़की ने प्ले के बीच में भाई हंस गई है, इतना सीरियस वाला होता चला हुआ। क्या है तुम्हारा आज का रीजन ऑफ स्माइल? गाइस हम बहुत 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 सबको मिली है। देखो काम की चीज इसमें हमें मिला है। हमें
मिल रही है फिर से ट्रीट, पहले मिली कुरकुरे फिर मिला चॉकलेट, अब फिर से चॉकलेट। आंटी आज तो लूंगी वीडियो में। यह है हमारे शॉप की ऑनर जी और ये दे रहे हैं अपनी तरफ से फ्री में बच्चों को ट्रीट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी। कुछ बोलना चाहेंगे आप, कैसा लगा हमारा प्रोग्राम आपको? बहुत अच्छा डांस किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। और आज मेरे लड़के का जन्मदिन है, उसकी खुशी में आपको चॉकलेट। अच्छा, किन का? पंकु भैया या सिप्पू भैया? मैं नहीं बताऊंगा। चलो थैंक यू, थैंक यू। आज का प्रोग्राम उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और साथ ही साथ क्या करना है, सब्सक्राइब और घंटा दबाना मत दबाना मत। बाय बाय, मिलते हैं।